गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। दिस न्यू टॉपिक इज डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन द फ्री मार्केट और इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, अक्सर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि फॉरेन एक्सचेंज रेट किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, या जो एक्सचेंज रेट है कि $1 जो है वो 50 रुपये के बराबर है, $1 50 रुपये के बराबर है, ये जो एक्सचेंज रेट है ये एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स किया गया। ओके, या हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन और फिक्स इन अ फ्री मार्केट और इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर या फ्री मार्केट के अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स करेंगे, दो करेंसी के बीच का जो एक्सचेंज रेट होता है वो एक्सचेंज रेट किस तरह से फिक्स किया जाएगा, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ये आपका टॉपिक है। ओके, एक्चुअली जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड भी होती है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी होती है। ओके, जहां फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई आपस में इक्वल हो जाती हैं, वहां इक्विलिब्रियम हो जाता है और वो इक्विलिब्रियम जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करता है। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन फॉरेन करेंसी की डिमांड करता है और कौन कौन फॉरेन करेंसी की सप्लाई करता है, और फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व कैसा होगा, फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व कैसा होगा, और किस तरह से डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होंगे तो एक्सचेंज रेट फिक्स होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर आपको जो है वो 4 सब हेडिंग पढ़नी है। टॉपिक क्या है, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और यू कैन से डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, इट इज योर टॉपिक। ओके, इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस डिमांड साइड, सप्लाई साइड, डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एंड द लास्ट वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और चेंज इन एक्सचेंज रेट। दीज आर द 4 सब हेडिंग। ओके, इस टॉपिक के अंदर 4 हम सब हेडिंग पढ़ेंगे कि एक तो डिमांड साइड, दूसरी सप्लाई साइड, और तीसरी डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, और चौथी जो है वो है चेंज इन एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो पहली है इसमें डिमांड साइड। डिमांड साइड के अंदर ये है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कौन कौन फॉरेन करेंसी की डिमांड करता है, डॉलर की, पौन की, रियाल की डिमांड कौन कौन करता है। ओके, एक्चुअली जितने भी इंपोर्टर्स हैं, जैसे जो इंपोर्टर्स, कोई भी इंपोर्टर इंडियन इंपोर्टर है, वो इंडियन इंपोर्टर अमेरिका से मशीन जो है वो इंपोर्ट करना चाहता है, और वो मशीन जो है कि जो प्राइस है, वो मशीन के जो प्राइस है वो सपोज $500 है। ओके, कोई इंडियन इंपोर्टर, कोई भी इंडियन इंपोर्टर है, वो इंडियन इंपोर्टर अगर अमेरिका से मशीन इंपोर्ट करना चाहता है और उस मशीन के जो प्राइस है वो है $500, और पेमेंट आपको डॉलर में करना है, मशीन इंपोर्ट करने के बाद जो पेमेंट करना है वो डॉलर में करना है। अब जो इंडियन इंपोर्टर है, वो इंडियन इंपोर्टर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जाने के बाद जो है वो $500 की डिमांड करेगा, ताकि उसे $500 मिल जाए, और $500 मिलने के बाद वो मशीन अमेरिका से इंपोर्ट करे, और इंपोर्ट करने के बाद डॉलर में पेमेंट कर सके। ओके, तो जो इंडियन इंपोर्टर्स हैं, वो इंडियन इंपोर्टर जब कोई भी मशीन या टेक्नोलॉजी, कोई भी गुड्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो जिस कंट्री से इंपोर्ट करेंगे उस कंट्री की करेंसी की क्या डिमांड करते हैं, ताकि उसका पेमेंट कर सकें। अगर सपोज सऊदी अरब से आप कोई पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पेट्रोल इंपोर्ट करने से पहले वो रियाल की डिमांड करेंगे, ताकि रियाल में पेट्रोल का पेमेंट हो सके।
इंग्लैंड से अगर हम कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने से पहले हम जो है वो पौंड की डिमांड करेंगे ताकि वहां पे हम पेमेंट कर सकें उस टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करने के बाद। तो जितने भी इंडियन इंपोर्टर हैं वो सारे इंडियन इंपोर्टर जो है वो फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं ताकि इंपोर्ट करने के बाद उस एसेट का गुड्स का पेमेंट फॉरेन करेंसी में कर सकें, इसलिए फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो जो डिमांड जो करते हैं वो कौन करते हैं, इंडियन इंपोर्टर्स। इसके अलावा एक है इंडियन इन्वेस्टर। जो इंडियन इन्वेस्टर हैं वो कभी कभी दूसरी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर इंडियन इन्वेस्टर अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो डॉलर की डिमांड करेगा, क्योंकि अगर कोई भी इंडियन इन्वेस्टर अमेरिकन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंडियन इन्वेस्टर अमेरिकन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले डॉलर की डिमांड करेगा, क्योंकि अमेरिकन कंपनी ये कहती है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इंडियन अमेरिकन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो डॉलर में पैसा इन्वेस्ट करे, रुपीस में पैसा इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि अमेरिका में रुपीस नहीं चलते। इसलिए जो अमेरिकन कंपनी का जो ओनर है वो ओनर ये कहता है कि अगर इंडियन इन्वेस्टर अमेरिकन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो डॉलर में पैसा इन्वेस्ट करें, रुपीस में ना करें, क्योंकि रुपीस वहां पर जो है वो नहीं चलते। तो इसलिए इंडियन इन्वेस्टर अगर अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी भी अमेरिकन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो डॉलर की डिमांड करेगा। ओके, सऊदी अरब की कंपनी में कोई अगर इंडियन इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो रियाल की डिमांड करेगा। तो इंडियन इन्वेस्टर जिस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है उस कंट्री की वो डिमांड करता है। जैसे इंडिया के अशोक मित्तल ने जापान में पैसा इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने जापान की करेंसी डिमांड की थी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो जितने भी इंडियन इन्वेस्टर हैं वो सारे के सारे इंडियन इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं ताकि हम फॉरेन करेंसी में पैसा इन्वेस्ट दूसरी कंट्री के अंदर कर सकें। ओके, इफ इंडियन इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट मनी इन अमेरिकन कंपनी बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, इंडियन इन्वेस्टर डिमांड द डॉलर इन ऑर्डर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द अमेरिकन कंपनी। बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इंडियन इन्वेस्टर डिमांड फॉरेन करेंसी। ओके, तो सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, इंडियन इन्वेस्टर ये लोग भी जो है वो फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ लोन। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका की गवर्नमेंट से लोन लिया था तो अब वो लोन वापस अगर जब किया जाएगा तो वो भी डॉलर में वापस किया जाएगा। अब लोन वापस करने के लिए जो है डॉलर की डिमांड करेंगे। अगर बाई जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने IMF से वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, अब IMF से वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है अब वो लोन पर इंटरेस्ट देना है और लोन जो है की इंस्टॉलमेंट देनी है, लोन वापस करना है, उसके लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड की जाती है। क्योंकि लोन जो रिटर्न किया जाएगा या लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, लोन की जो इंस्टॉलमेंट दी जाएगी वो फॉरेन करेंसी में दी जाएगी, इसलिए फॉरेन करेंसी की डिमांड की जाती है। एक पॉइंट। दूसरा है, लास्ट है इंडियन टूरिस्ट। इंडियन टूरिस्ट भी जो है वो दूसरी कंट्री की करेंसी की डिमांड करते हैं। कोई इंडियन टूरिस्ट है अगर बाय द वे वो इंडियन टूरिस्ट किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है घूमने के लिए, तो जिस कंट्री में वो घूमने के लिए जा रहा है उस कंट्री की करेंसी की वो डिमांड करेगा ताकि वो उस कंट्री में जाकर वहाँ शॉपिंग कर सके, वहाँ पर होटल का पेमेंट कर सके, है ना, अपने एक्सपेंसेस कर सके, इसलिए वो दूसरी कंट्री की जो है वो करेंसी की डिमांड करेगा। आजकल जितने भी ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डिफरेंट कंट्री की करेंसी अवेलेबल होती है। तो फ्लाइट टेक ऑफ से पहले कोई अगर इंडियन टूरिस्ट है, वो इंडियन टूरिस्ट जिस कंट्री में जा रहा है घूमने के लिए, तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही जो है वो उस कंट्री की करेंसी की डिमांड करता है जिस कंट्री की में वो घूमने जा रहा है, उस कंट्री की करेंसी पहले ही वो परचेस कर लेता है, पहले ही वो एक्सचेंज कर लेता है। तो इंडियन टूरिस्ट है वो इंडियन करेंसी दे देगा और फॉरेन करेंसी जो है ले लेगा ताकि वो फॉरेन करेंसी जो है वो दूसरी कंट्री में जाकर वो अपने एक्सपेंसेस कर सके। तो इंडियन टूरिस्ट आल्सो डिमांड फॉरेन करेंसी।
इन ऑर्डर टू मीट देयर एक्सपेंसेस इन देयर कंट्रीज। ठीक है, अगर जो इंडियन टूरिस्ट है वो जिस कंट्री में वो घूमने जा रहा है उस कंट्री की करेंसी की डिमांड करेगा ताकि वहां दूसरी कंट्री में जाकर वो अपने एक्सपेंसेस कर सके, शॉपिंग कर सके, पेमेंट कर सके, इसलिए वो इंडियन टूरिस्ट दूसरी कंट्री की करेंसी की डिमांड करता है। इस तरह से इन जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर या फ्री मार्केट के अंदर जो फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं वो फॉरेन करेंसी की डिमांड कौन करता है? इंपोर्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर, ओके, इंडियन टूरिस्ट, ये लोग जो है वो फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। अब इसके अंदर एक पॉइंट है कि जो फॉरेन करेंसी का जो डिमांड कर्व होगा वो डिमांड कर्व डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। ओके, अब डिमांड कर्व, फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व कैसा होगा? अब डिमांड कर्व को समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल जो है वो ये है कि सपोज एक डॉलर 50 रुपए के बराबर है। अगर $1 50 रुपए के बराबर है और सपोज कुछ दिन बाद वही डॉलर जो है वो 80 रुपीज का हो गया, अब ये है कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? एक्चुअली एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। $1 पहले 50 रुपए का था, अब $1 80 का हो गया। इसका मतलब डॉलर महंगा हो गया। जब डॉलर महंगा हो गया तो इंडियन डॉलर की डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? 100% इंडियन डॉलर की डिमांड कम करेंगे, क्योंकि ये लोग जो है वो डॉलर की डिमांड कम करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले $1 50 रुपए का था, अब वही डॉलर 80 रुपए का हो गया। अब डॉलर के जो रेट है वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो डॉलर 50 से 80 का हो गया, डॉलर महंगा हो गया, इसलिए डॉलर की जो डिमांड है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ, $1 पहले 50 का था अब 80 का हो गया, तो जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ तो डॉलर की जो डिमांड है, फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इस तरह से एक्सचेंज रेट में और फॉरेन करेंसी की डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। जब दो वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो जो कर्व है वो कर्व जो होगा वो कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। जिस तरह से प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है और डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा, $1 50 से 80 का हो गया, जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो लोग डॉलर की डिमांड कम करेंगे क्योंकि पहले $1 50 का था अब 80 का हो गया, डॉलर महंगा हो गया, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया तो लोग डॉलर की डिमांड कम करेंगे। इस तरह से एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने से डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की डिक्रीज हो रही है। तो इस अब एक्सचेंज रेट और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इस इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका, फर्स्ट सब हेडिंग हुई डिमांड साइड। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट सब हेडिंग है इसके अंदर सप्लाई साइड। सप्लाई साइड के अंदर यह है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन फॉरेन करेंसी की सप्लाई करता है। अभी हमने ये देखा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन फॉरेन करेंसी की डिमांड करता है। इंपोर्टर्स फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, इंडियन इन्वेस्टर फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, इंडियन टूरिस्ट फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई कौन कौन करता है, अब हम सप्लाई साइड के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। सप्लाई साइड में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्सपोर्टर, इंडियन एक्सपोर्टर। जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर हैं वो फॉरेन करेंसी की सप्लाई करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर।
किस तरह से कोई इंडियन एक्सपोर्टर है उसने अमेरिका को इंडिया की टी कॉफी एक्सपोर्ट की, और इंडिया की टी कॉफी एक्सपोर्ट करने के बाद अमेरिका से जो है वो $500 ले लिए। अब $500 जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर के पास आ गए, है ना। इंडियन एक्सपोर्टर ने टी कॉफी वीट ये अमेरिकन गवर्नमेंट को सेल कर दी, एक्सपोर्ट कर दी, और वहां से $500 ले लिए। अब वो डॉलर किसके पास आ गए? इंडियन एक्सपोर्टर के पास आ गए। अब इंडियन एक्सपोर्टर के पास $500 है। अब ये $500 जो इंडियन एक्सपोर्टर के पास है वो इंडियन एक्सपोर्टर के पास एक प्रेजेंट देखा जाए तो वो यूजलेस है, क्योंकि इंडिया में जो है डॉलर ज्यादा नहीं चलते। तो अब क्या होगा कि जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाने के बाद वो जो डॉलर है वो डॉलर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दे देगा, और उसके बदले की इंडियन करेंसी जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर डॉलर दे रहा है, यानी डॉलर की सप्लाई कर रहा है। जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर हैं वो अलग अलग कंट्रीज को जो है शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टी कॉफी वीट और राइस, हम बहुत सारी चीजें दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडियन एक्सपोर्टर अगर कोई इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करता है कोई इंडियन गुड्स, और अगर इंग्लैंड में टी कॉफी वीट या राइस एक्सपोर्ट की, और एक्सपोर्ट करने के बाद हम पौंड में वहां से पेमेंट हमारे पास आया, अब वो पेमेंट जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर के पास पौंड में आया, अब इंडियन एक्सपोर्टर के पास सपोज 300 पॉन्ड्स हैं, वो पॉन्ड इंडिया में लेके आएगा वो इंडियन एक्सपोर्टर, उसके बाद वो इंडियन एक्सपोर्टर उस पॉन्ड को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में देगा, और उसके बदले में इंडियन करेंसी ले लेगा। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो डॉलर, पॉन्ड, रियाल, स्टीलिंग, डिफरेंट कंट्री की करेंसी की क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है। तो पहला जो फर्स्ट है वो है इंडियन एक्सपोर्टर। इंडियन एक्सपोर्टर आल्सो सप्लाई द फॉरेन करेंसी इन द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टर। जो दूसरी कंट्री के इन्वेस्टर हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो हमारे यहां जो है वो FDI करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो फॉरेनर्स हमारे यहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपनी कंट्री की करेंसी लेके आते हैं। ओके, जो अगर कोई सऊदी अरब का इन्वेस्टर है वो हमारे यहां पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो जो है वो रियाल लेके आता है। कोई इंग्लैंड का इन्वेस्टर है वो हमारे यहां पैसा इन्वेस्ट करेगा तो पौंड लेके आएगा। अगर दूसरी कंट्री का कोई भी इन्वेस्टर अगर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो अपनी कंट्री की करेंसी लेके आएगा, यानी फॉरेन करेंसी लेके आएगा। इस तरह से फॉरेन करेंसी की जो है वो हमारे यहां क्या हो रही है, वो सप्लाई कर रहा है। कौन सप्लाई कर रहा है? फॉरेन इन्वेस्टर वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी, देन फॉरेन इन्वेस्टर ब्रिंग फॉरेन करेंसी फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन कंपनी। इन दिस वे फॉरेन इन्वेस्टर सप्लाई द फॉरेन करेंसी इन इंडिया। ओके, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अगर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी इंडिया लेके आता है। इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में फॉरेन करेंसी की सप्लाई करता है। एक और है जो सप्लाई करते हैं, बहुत सारे इंडियन जो है वो दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं। कोई इंडियन इंग्लैंड में, जापान में, सऊदी अरब में, अमेरिका में, अलग अलग कंट्रीज में इंडियन जॉब कर रहे हैं। सपोज कोई भी इंडियन है अगर वो अमेरिका में जॉब कर रहा है तो उसकी पूरी फैमिली इंडिया में रहती है, अकेला वो जो है अमेरिका में जॉब कर रहा है। अब जो उसकी फैमिली इंडिया में रहती है उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, और वो पर्टिकुलर इंडियन जो है अकेला जो है अमेरिका में जाकर रहता है और वहां पे अमेरिका में एक किसी भी पर्टिकुलर अमेरिकन कंपनी में जॉब करता है। उस इंडियन को दूसरी कंट्री में वो जॉब कर रहा है, वो वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस इंडियन को उसकी सर्विस के बदले में अमेरिका से जो है वो सैलरी मिलेगी। उस सैलरी में से वो कुछ सपोज 2000 या $3000 इंडिया अपनी फैमिली को भेजता है ताकि फैमिली के एक्सपेंसेस जो है वो पूरे हो सकें।
अब वो इंडियन पर्सन हर महीने $2,000 अमेरिका से जो है वो इंडिया में अपनी फैमिली को भेजता है अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। इस तरह से इंडियन जो इंडियन है वो अमेरिका से हर महीने $2,000 या $3,000 की सप्लाई इंडिया में कर रहे हैं, क्योंकि वो हर महीने जो है वो पर्टिकुलर इंडियन जो अमेरिका में जॉब कर रहा है उसको हर महीने सैलरी मिलती है अमेरिकन कंपनी से, और अमेरिकन कंपनी सैलरी दे रही है डॉलर में, तो वो डॉलर जो है वो हर महीने $2,000-$3,000 वो इंडिया भेजता है अपनी फैमिली के पास उसके एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। इस तरह से जो इंडियन दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं वो लोग अपनी फैमिली को हर महीने डॉलर या पौन या रियाल की सप्लाई कर रहे हैं और पैसे भेज रहे हैं। इंडियन हु आर वर्किंग इन अदर कंट्रीज दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर कंट्रीज, फॉर देयर सर्विसेज दे रिसीव सैलरी इन फॉरेन करेंसी, दे सप्लाई दिस फॉरेन करेंसी इन टू इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसिस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। इन दिस वे दीज इंडियंस रेगुलरली सप्लाई द फॉरेन करेंसी इन इंडिया एवरी मंथ। ओके, ये था आपका इंडियन इन्वेस्टर। नेक्स्ट है इसमें एड। अमेरिका हर साल इंडिया की हेल्प करने के लिए कुछ पैसा इंडिया को देता है जिसे कहते हैं एड, AID एड। सिर्फ अमेरिका इंडिया को नहीं देता है, अमेरिका इंडिया को, नेपाल को, और भी कंट्रीज हैं उनको इंडिया को जो है अमेरिका हर महीने मतलब हर साल अमेरिका जो है वो हर साल अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल हेल्प करने के लिए करोड़ों डॉलर देती है इन द फॉर्म ऑफ एड। अब वो एड ना तो वापस लेती है ना उस पर इंटरेस्ट लेती है। अब हर साल जो अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए जो करोड़ों डॉलर दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन गवर्नमेंट करोड़ों डॉलर की सप्लाई इंडिया में एड की फॉर्म में कर रही है, तो वो ये भी एक सोर्स ऑफ सप्लाई है फॉरेन करेंसी का, जो अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को पैसा करोड़ों डॉलर दे रही है सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए। अगर नेचुरल क्लाइमिटी आ जाती है तब भी जो है वो अलग अलग कंट्रीज जो है पैसा देती हैं वो हेल्प करने के लिए। जब बहुत पहले गुजरात में नेचुरल क्लाइमिटी आई थी तो अलग अलग कंट्रीज ने इंडियन गवर्नमेंट को पैसा दिया था हेल्प करने के लिए, और हर कंट्री ने जो पैसा दिया था इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए वो फॉरेन करेंसी में दिया था। इस तरह से फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारे यहाँ इंक्रीज हो गई थी। एक है इसमें टू टेक लोन। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिकन गवर्नमेंट से जो लोन लेती है वो लोन भी फॉरेन करेंसी में लिया जाता है। ओके, इस तरह से फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर आ रही है, यानी फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारी कंट्री के अंदर हो रही है। तो व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक लोन फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक और द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज, देन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट इज आल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन अवर कंट्री, दैट इज फॉरेन लोन और एक्सटर्नल लोन और एक्सटर्नल डेब्ट। जब हम हमारी कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से लोन लेती है ना, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल डेब्ट, DEBT डेब्ट, एक्सटर्नल डेब्ट या एक्सटर्नल लोन कहते हैं इसके अंदर। तो जब इंडियन गवर्नमेंट जब अमेरिकन गवर्नमेंट से या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट से या IMF से, वर्ल्ड बैंक से जब इंडियन गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो लोन जो है वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आता है। इस तरह से फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंडिया के अंदर होती है। एक है फॉरेन टूरिस्ट। बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया घूमने आते हैं, तो जब वो इंडिया घूमने आते हैं फॉरेन टूरिस्ट, तो अपनी कंट्री की करेंसी इंडिया में लेके आते हैं
और फिर यहाँ आने के बाद कुछ फॉरेन टूरिस्ट ऐसे हैं जो इंडिया में आने के बाद फॉरेन करेंसी को फिर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं ताकि इंडिया में गुड्स परचेस कर सकें, होटल का पेमेंट कर सकें, शॉपिंग कर सकें, इसलिए वो फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में फिर यहाँ इंडिया में आने के बाद कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो फॉरेन टूरिस्ट जो है जब इंडिया में आते हैं तो फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, इस तरह से फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इंडिया में फॉरेन करेंसी की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये लोग जो है वो फॉरेन करेंसी की इंडिया के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, एक तो इंडियन एक्सपोर्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, ओके फॉरेन टूरिस्ट, ये सब लोग जो है वो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि फॉरेन करेंसी का जो सप्लाई कर्व है, फॉरेन करेंसी का जो सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कि फॉरेन करेंसी का जो सप्लाई कर्व होगा वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा एक एग्जांपल के थ्रू। और एग्जांपल ये है कि अगर सपोज एक डॉलर 50 रुपए का है और वही डॉलर अब 70 रुपए का हो गया, इसका मतलब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। पहले एक डॉलर 50 का था, अब एक डॉलर 70 का हो गया, यानी कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो अमेरिकन गवर्नमेंट इंडिया में डॉलर की सप्लाई इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए तो। पहले एक डॉलर के बदले में अमेरिकन गवर्नमेंट को 50 रुपए मिल रहे थे, जब एक्सचेंज रेट ये था एक डॉलर 50 रुपए के बराबर था तो अमेरिकन गवर्नमेंट को एक डॉलर के बदले में 50 रुपए मिल रहे थे। जब एक्सचेंज रेट जो है वो ये हो गया कि एक डॉलर 70 रुपए का है, अब एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, अब अमेरिकन गवर्नमेंट को एक डॉलर के बदले में इंडिया के 70 रुपीज मिल रहे हैं। अब अमेरिकन गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, पहले अमेरिकन गवर्नमेंट को एक डॉलर के बदले में 50 रुपए मिल रहे थे तब जब एक्सचेंज रेट ये था, और जब एक्सचेंज रेट जो है वो एक डॉलर 70 रुपए के बराबर हो गया, अब अमेरिकन गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने की वजह से एक डॉलर के बदले में पहले 50 की जगह 70 रुपए मिल रहे हैं, अब अमेरिकन गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, तो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो डॉलर की जो सप्लाई है वो इंडिया में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बल्कि जो एक्सपोर्ट ये लोग जो है वो डॉलर की जो है वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले एक डॉलर के बदले में जो है वो 50 रुपए मिल रहे थे, अब एक डॉलर के बदले में 70 रुपए मिल रहे हैं, ज्यादा करेंसी मिल रही है, तो इसलिए जो है वो सप्लाई जो है वो इंक्रीज की जाएगी। इस तरह से फॉरेन करेंसी की भी सप्लाई इंक्रीज हो गई और साथ साथ एक्सचेंज रेट भी 50 से 70 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज हो गया और फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब एक्सचेंज रेट और फॉरेन करेंसी की सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो कर्व होगा वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। जब दो वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो हमेशा जो कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। इस तरह से जो फॉरेन करेंसी का जो सप्लाई कर्व होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। क्लियर? तो अभी सिर्फ दो इसकी सब हेडिंग हुई है, एक डिमांड साइड और दूसरी सप्लाई साइड। अब तीसरी सब हेडिंग है इसमें डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ये तीसरी सब हेडिंग है। तीसरी सब हेडिंग है वो जो आपका टॉपिक है वही है, तीसरी सब हेडिंग डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके,
जैसे अभी हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर या फ्री मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड भी होती है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी होती है। कौन कौन डिमांड करता है ये डिमांड साइड में देखा, कौन कौन फॉरेन करेंसी की सप्लाई करता है ये सप्लाई साइड के अंदर अभी हमने डिस्कस किया। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है या जो फ्री मार्केट है वहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड भी होती है और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी में इनवर्स रिलेशनशिप है। इस वजह से फॉरेन करेंसी का जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी होती है और सप्लाई जो कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट और फॉरेन करेंसी की सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड भी होती है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी होती है। जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाता है। ओके, इस इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहां पर दो फोर्स आपस में इक्वल हो जाए। जिस पॉइंट पर दो फोर्स या दो से ज्यादा फोर्स आपस में इक्वल हो जाए उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, यहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल हो गए पॉइंट ई पर, तो ई जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम एक्स एक्सिस पर और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम वाई एक्सिस पर। सपोज एक्स एक्सिस पर हमने इंडियन करेंसी ली है और वाई एक्सिस पर हमने अमेरिकन करेंसी सपोज डॉलर लिए हैं, और यहां पर जो एक्स एक्सिस है वहां उस पर हमने इंडियन करेंसी ली है सपोज 50 रुपीज, 100 रुपीज, 150 रुपीज एंड 200 रुपीज। वाई एक्सिस पर डॉलर लिए हैं सपोज $1, $2 और $3। अभी हमने ये देखा कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड भी होती है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी होती है। जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं वहां इक्विलिब्रियम हो जाता है। इस इक्विलिब्रियम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर। ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है कि दो डॉलर के जो प्राइस है वो कितने हैं, 100 रुपीज। ओके, दो डॉलर जो है वो किसके इक्वल है, 100 रुपीज के इक्वल है। इस तरह से जो आपका एक डॉलर होगा वो कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, 50 रुपए के बराबर हो जाएगा। इस तरह से एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया कि एक डॉलर 50 रुपए का है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया आपका, फिक्स हो गया। क्लियर, इस तरह से हम फॉरेन फ्री मार्केट के अंदर या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट इस तरह से फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, इसको आप जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देयर इज अ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एज वेल एज देयर इज अ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। When the demand and supply of foreign currency become equal to each other, it establish the equilibrium point. From this equilibrium point, we draw one perpendicular on x-axis, another perpendicular on y-axis. These two perpendicular shows that $2 is equal to 100 rupees. $2 is equal to 100 rupees. So, $1 is equal to 50 rupees. In this way, we can determine the exchange rate between the two currency with the help of demand of foreign currency and with the help of supply of foreign currency. It is clear. ये आपका हो गया determination of exchange rate. तो determination of exchange rate के अंदर एक demand side, सप्लाई साइड, उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, तीन आपकी सब हेडिंग हो गई। एक फोर्थ सब हेडिंग और है इसी टॉपिक के अंदर, वो है
चेंज इन एक्सचेंज रेट ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और ड्यू टू चेंज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डेट एक्सचेंज रेट विच इज चेंज ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू चेंज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. How exchange rate is changed due to change in demand of foreign currency or how exchange rate is changed due to change in supply of foreign currency. It can be explained with the help of some diagrams. देखिए ये फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व है और ये फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व है और ये आपका इक्विलिब्रियम है. और ओ आर जो है वो एक्सचेंज रेट है. ओ आर यहां पर सपोज जो डिमांड है वो है सपोज 5. एग्जांपल के तौर पर हमने 5 ले लिया. अगर सपोज डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड जब इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा. कहां शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड. इस तरह से डिमांड कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड. अब जो न्यू डिमांड कर्व है D-D-, ये न्यू डिमांड कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई कर्व को. कहां इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई कर्व को? E1 पर. अब नया इक्विलिब्रियम जो हो गया वो E1 हो गया. अब इस न्यू इक्विलिब्रियम से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो अब डिमांड जो है वो 5 से 8 इंक्रीज हो गई तो डिमांड कर्व जो है वो आपका फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व. अब इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वाई एक्सिस पर तो ये न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो गया. पहले एक्सचेंज रेट ओ आर था, अब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा ओ आर 1 हो गया. यानी एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. एक्सचेंज रेट जो इंक्रीज हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हुई. जब फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी तो एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज होगा. जैसे कम्युनिटी मार्केट के अंदर डिमांड, जब ओनियन की डिमांड इंक्रीज होती है तो ओनियन के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं. इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जब फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी 5 से 8 तो डिमांड का फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. जब डिमांड का फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो एक्चुअल रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. इस तरह से जब डिमांड इंक्रीज होगी तो एक्चुअल रेट भी इंक्रीज होगा. और अगर डिमांड फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो गई, जब फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज होगी तो एक्सचेंज रेट जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा. बैकवर्ड शिफ्ट हो गया. अब न्यू डिमांड कब क्या हो गया? D2. जब अब नया इक्विलिब्रियम हो गया आपका E2. ये न्यू डिमांड कर्व है D2 और D2. ये न्यू डिमांड कर्व है. जब डिमांड डिक्रीज होगी तो जब डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा. अब ये डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया. जब डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया तो नया इक्विलिब्रियम जो है वो E2 होगा. ये सप्लाई है ना, और डिमांड नया डिमांड जो है D2 है. ये नया इक्विलिब्रियम हो गया और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, ये डिमांड हो गई 3. अब डिमांड 5 से 3 डिक्रीज हो गई. जब डिमांड 5 से 3 डिक्रीज हुई तो डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ बैकवर्ड. अब नया इक्विलिब्रियम E2 हो गया. E2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर तो ये नया एक्सचेंज रेट हो गया OR2. अब एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो गया? OR से OR2 क्या हो गया? अब एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गया.
एक्चुअल रेट इसलिए डिक्रीज हुआ क्योंकि डिमांड 5 से 3 डिक्रीज हुई। जब डिमांड 5 से 3 डिक्रीज हुई तो डिमांड कर्व जो है बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो एक्चुअल रेट जो है वो डिक्रीज हो गया। इस तरह से डिमांड डिक्रीज होगी तो एक्चुअल रेट डिक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी तो एक्चुअल रेट इंक्रीज होगा। ये डिमांड के चेन होने का इफेक्ट है, किसके ऊपर इफेक्ट है, एक्सचेंज रेट के ऊपर। कि अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो इसका एक्चुअल रेट पे क्या इफेक्ट होगा, डिमांड इंक्रीज होगी तो एक्चुअल रेट भी इंक्रीज होगा। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो गई तो इसका क्या इफेक्ट होगा, कि अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज होगी तो एक्चुअल रेट भी डिक्रीज होगा। ओके, ये आपका एक्चुअल रेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। डिमांड के इंक्रीज होने पर एक्चुअल रेट इंक्रीज हो गया, डिमांड के डिक्रीज होने पर एक्चुअल रेट डिक्रीज हो गया। यहां पर एक्चुअल रेट चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में टाइप ऑफ एक्चुअल रेट बताए थे, फिक्स एक्चुअल रेट, मैनेज एक्चुअल रेट, और एक था फ्लेक्सिबल एक्चुअल रेट जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया था। फ्लेक्सिबल एक्चुअल रेट वही है जो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है। अब यहां पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी तो एक्सचेंज रेट भी जो है वो एक्सचेंज रेट भी जो है आपका ओआर से ओआर1 इंक्रीज होगा। जब फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज होगी तो एक्सचेंज रेट भी जो है वो आपका ओआर से ओआर2 क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट मीन्स फॉरन एक्सचेंज रेट डिक्रीज विद द डिक्रीज इन डिमांड, फॉरन एक्सचेंज रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डिमांड। इट मीन्स फॉरन एक्सचेंज रेट चेंज ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ फॉरन करेंसी, इट इज नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इन दिस एग्जाम्पल वी अज्यूम दैट द सप्लाई ऑफ फॉरन करेंसी रिमेन सेम। इस एग्जाम्पल में हमने फॉरन करेंसी की सप्लाई को ये अज्यूम किया है कि सेम है, कांस्टेंट है, सिर्फ डिमांड इंक्रीज हो रही है फॉरेन करेंसी की, सप्लाई को कांस्टेंट माना है, इसलिए सप्लाई कब चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई कब जो कांस्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि सप्लाई को हमने इसमें अज्यूम किया है कि वो कांस्टेंट है। सिर्फ डिमांड के इंक्रीज होने पर डिमांड कब फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ तो एक्चुअल रेट इंक्रीज हो गया, डिमांड के डिक्रीज होने पर 5 से 3 डिमांड के डिक्रीज होने पर एक्चुअल डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो एक्चुअल रेट डिक्रीज हो गया। क्लियर। अब एक और, ये डिमांड के चेंज होने का एक्सचेंज रेट पर इफेक्ट था कि डिमांड फॉरेन करेंसी की इंक्रीज होगी एक्चुअल रेट भी इंक्रीज होगा, डिमांड फॉरेन करेंसी की डिक्रीज होगी तो एक्चुअल रेट भी डिक्रीज होगा। ये डिमांड के चेंज होने का इफेक्ट था, किस पर इफेक्ट था, एक्चुअल रेट पर। अब हम देखेंगे कि सप्लाई के इंक्रीज और डिक्रीज होने का फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट होगा, डायरेक्ट या इनवर्स। देखिए इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर आपने एक्सचेंज रेट लिया है, ये डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी कर्व है, ये फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व है, और डिमांड और सप्लाई जहां इक्वल हो रहे हैं वहां इक्विलिब्रियम है। यहां से इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर, ये एक्सचेंज रेट हो गया ओ आर, और ये आपकी सप्लाई हो गई सपोज 8। ओके, अब हम ये देखते हैं कि अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी, जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी तो ये आपका सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और सप्लाई इस वक्त कितनी है सपोज 8 है। जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व जो है वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व जो होता है वो शिफ्ट राइटवर्ड होता है। ये न्यू सप्लाई कर्व है S1 S1, ये जो न्यू सप्लाई कर्व है S1 ये S1, ये ओल्ड डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है सपोज E2 पर, ये E2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है।
इसमें हमने फॉरेन करेंसी को की जो डिमांड है उसको कांस्टेंट अज्यूम किया है। फॉरेन करेंसी की डिमांड अगर बाय द वे कांस्टेंट है और सिर्फ सप्लाई फॉरेन करेंसी की इंक्रीज हो रही है, तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से जो सप्लाई कर्व है SS, वो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से अब न्यू सप्लाई कर्व हो गया S1 S1, और ये न्यू सप्लाई कर्व S1 जो है वो डिमांड कर्व को इंटरसेप्ट कर रहा है E2 पर। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, ये सपोज 10 है, यानी सप्लाई जो है वो 8 से 10 इंक्रीज हो गई। लेकिन जो एक्सचेंज रेट है वो एक्सचेंज रेट जो है वो ये क्या शो कर रहा है कि एक्सचेंज रेट जो है वो पहले OR था, एक्सचेंज रेट, अब एक्सचेंज रेट कितना हो गया, OR 1 हो गया। एक्सचेंज रेट क्या हो गया, इसमें डिक्रीज हो गया। जो न्यू सप्लाई कर्व है S1 S1 है ना, ये इंटरसेप्ट कर रहा है डिमांड कर्व को E2 पर। E2 इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर, तो इससे नया एक्सचेंज रेट आया, और नया एक्सचेंज रेट क्या है इसमें आपका R1। इस तरह से पहले एक्सचेंज रेट था OR, अब न्यू एक्सचेंज रेट हो गया OR1। इसका मतलब एक्सचेंज रेट जो है वो डिक्रीज हो गया, एक्सचेंज रेट जो है वो डिक्रीज हो गया। सप्लाई के इंक्रीज होने पर एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गया, यहां पे इनवर्स हुआ। ओके, तो इसी तरह से अगर सप्लाई फॉरेन करेंसी की डिक्रीज होगी, जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज होती है तो एक्सचेंज जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट वर्ड डिक्री शिफ्ट हो जाता है। S2 और S2, ये न्यू सप्लाई कर्व है। अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज होगी तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और नया सप्लाई कर्व होगा S2 S2। ये न्यू सप्लाई कर्व जो है वो ओल्ड डिमांड कर्व को इंटरसेप्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, और सपोज ये पॉइंट है E3, इक्विलिब्रियम 3। अब इक्विलिब्रियम 3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर, तो ये नया एक्सचेंज रेट आ गया, और ये नया एक्सचेंज रेट आ गया R2। इसका मतलब पहले एक्सचेंज रेट था OR, अब हो गया OR2, यानी एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। सप्लाई के डिक्रीज होने पर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। तो सप्लाई के डिक्रीज होने का एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट हुआ कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। ओके, यहां पर भी एक्चुअल रेट चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, सप्लाई के चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई चेंज होगी तो एक्चुअल रेट भी चेंज होगा, जब फॉरेन करेंसी की डिमांड चेंज होगी तो एक्चुअल रेट भी चेंज होगा। इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डेट एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड विद द हेल्प ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और ड्यू टू चेंज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। व्हेन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, एक्सचेंज रेट विल आल्सो इंक्रीजेस। व्हेन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीजेस, एक्सचेंज रेट विल आल्सो डिक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, then exchange rate will decrease. When the supply of foreign currency decreases, then exchange rate will increase. In this way, exchange rate change due to change in demand of foreign currency, due to change in supply of foreign currency, it is said to be foreign exchange effect, it is said to be flexible exchange rate. Okay? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन भी हो गई आपकी, और डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। Thank you.